अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे सुबह के 5 और मेरी मम्मी व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये लोग सब लोग ना अम्मी को आके घेर लिए कि इन लोग को भूख लगी थी, और जैसे ही अम्मी अंदर गए और इन लोग को बुलाए, इन लोग भागते हुए आ गए, मतलब चारों के चारों। यहाँ पर सुबह में इन लोग को इतनी ज़्यादा भूख लगी रहती है, आगे पीछे कर रहे थे इन लोग। फिर मम्मी ने इन लोगों को 5:30 बजे तक खाना भी दे दिया, और ये लोग यहाँ पर आके फिर से अम्मी को घेर घेर के परेशान करने लगे। और स्नो को अभी अभी खाना और विस्कस मिला है, जिसको वो बड़े मज़े से खा रहा है। और यहाँ पर रूम में बंद करके अम्मी ने एलेक्स को दिए, क्योंकि इन लोग एलेक्स को खाने नहीं देते हैं। और फिर अम्मी ने पढ़े नमाज, और नमाज़ पढ़ते पढ़ते स्नो भी आ गया नमाज़ पढ़ने के लिए। मतलब जब भी अम्मी नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो आ जाता है। और यहाँ पर फिर अम्मी पढ़ने लगे कुरान, तो फिर यहाँ पर प्रिंस आ गया। स्नो पता नहीं कहाँ गया है, प्रिंस आ गया। प्रिंस भी बैठ के सुन रहा था जब अम्मी पढ़ रहे थे, तो उसको भी बहुत सुकून मिल रहा था। वो सुनते 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 कब सो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर अम्मी ने बहुत देर तक इसको पढ़ा, और फिर उसके बाद अम्मी आ गए किचन में नाश्ते के लिए। तो मम्मी ने बना ली फटाफट से चाय, और फिर उसको सर्व करने के लिए निकाल भी लिए और पी लिए। और फिर उसके बाद बज गए 11, यानी कि मैं उठ गई हूँ अभी, और मैंने पूरे घर की सफाई भी कर ली हूँ, और फिर कैट के उनको नाश्ता भी दे दियो। आज नाश्ते में बहुत ही गाइस दम मज़ा आ गया। आज नाश्ते में बहुत से आइटम्स बने थे ना इसके लिए, और साथ ही में था बनाना शेक, जो कि बहुत टेस्टी था। और फिर दोपहर के टाइम पे आ गई ये बर्तन वाली, जिनका बच्चा बहुत ही परेशान कर रहा था हमारी बिल्लियों को। फिर उसके बाद हमने कपड़े देकर लिए बहुत सारे बर्तन, मतलब कि बर्तन बहुत सही थे। और हमने लिया एक छोटा सा टब, साथ ही में एक बैठने वाली पीढ़ा, और ये भी ले लिया हमने, मतलब कि बाद में एक और बर्तन वाली आ गई थी तो उसने हमें ये दे दिया। मतलब बहुत सारे कपड़े लेकर दिए। हाँ, फिर ये दूसरा ग्लास है जो कि मैं पी रही हूँ, मतलब कैट के ओनर ने ले दिया था, है ना। और अभी हमने लिया बहुत सारा बर्तन, जिसे लेकर हम बहुत खुश हुए। और मैंने दाल चावल भी चढ़ा दी हूँ, और मैं फटाफट से पी लेती हूँ ये। फिर उसके बाद मुझे एडिट करके अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है? कुकिंग का। हाँ, और अगर वो मैं अपलोड कर दूँगी ना जल्दी, तो मैं उसकी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ही यम्मी रेसिपी है। ओके, जल्दी से पी ले रही हूँ। अगर इसे छोड़ दिया तो ये गाली दे के भाग जाएगा। देखे ये थोड़ेगा, बहुत गंदी गाली दे के भगताऊंगा। फिर हमने शूट की वाली रील, और उसके बाद यहाँ पर इन लोग लड़ने लगे। मतलब पता नहीं प्रिंस को क्या हो गया था, उसको इतना ज़्यादा मार रहा था, इतना फायर हो गया था उस पर, इतना मारा बेचारे को रुला दिया मैक्स को प्रिंस ने। फिर मैंने प्रिंस को पकड़ के खूब पीटी। मतलब इन लोग की लड़ाई आधे घंटे तक चलती रही। फिर उसके बाद बज रहे हैं 3, और यहाँ पर हम बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं। और अभी ना मैं स्नैपचैट के जो फ़नी फेस वाले फ़िल्टर होते हैं ना, उससे मैं कैट के होने की वीडियो बना रही थी ना, तो उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि अभी मैं फ़िल्टर से बना रही हूँ, जिसकी वजह से वो इस तरफ देख ही नहीं रहे थे। और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से एडिट की और अपलोड कर दी। मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इतनी टेस्टी दाल कड़ी है ना, मतलब अगर आप खाओगे ना एक बार तो बार बार यही मांगोगे। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड हाँ गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर हो गई है रात, मतलब ईशा की नमाज़ पढ़ रहे मम्मी अभी, और यहाँ पर प्रिंस भी आकर बैठा हुआ है, और कैट के ओनर भी बाजू में ही बैठे हुए हैं। और फिर मम्मी ने नमाज़ पढ़े और आप सबके लिए दुआ करे। तो होप करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।